जोहार इन जैन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। और आप लोग जो जो बोले थे वो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके भी रखे होंगे, क्योंकि आप सभी को हम बताए थे कि आप लोग ज़्यादा जेसीसी समय नहीं देगा। और आप सभी को हम पहले ही बताए थे, है ना, कि इस साल आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ आप लोग नियुक्ति वर्ष होने वाला है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग नियुक्ति वर्ष होगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं जेसीसी सीजन में इतना विवाद होने के बावजूद भी देखिए उसका रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए पूरा उतावला है जेसीसी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर का भी आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और आप लोग हम बोले थे कि इसी सरकार में आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा और नौकरी भी कीजिएगा, है ना। और जैसा कि आप सभी को हम बताए थे, है ना, कि जेसीसी सीजल एग्जामिनेशन से पहले ही आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए एकदम 100% हुआ कि नहीं बताइए। और ये भी बताए थे कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्स की कम बात किए थे, लेकिन देखिए इन्होंने आंसर की जारी कर दिया है। और इसी में बहुत सारे कैंडिडेट का ये हो गया है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे चेक करना है नहीं करना है। ये जेसीसी को भी समझ में नहीं आएगा, जेसीसी क्या क्या जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर निकाला है और वही पब्लिश कर दिया। ऐसे थोड़ी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है उसमें रिस्पॉन्स की जारी किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट लोग को पता चलता है कि वो किस क्वेश्चन के आंसर कौन सा लगाया है और उसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग अगर एसएससी या फिर रेलवे की एग्जामिनेशन दिए होंगे ऑनलाइन, या फिर कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो आप लोग को उसी प्रकार का देखने को मिलेगा। छात्र कल से परेशान हैं, है ना, कॉल मैसेजेस पूरा आ रहा है और वो लोग को हम बता दिए हैं कि ये आप लोग का कैसे करना है, आगे नहीं करना है, ठीक है। और हम आप लोग को कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग आगे क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मन में क्वेश्चन चल रहा है, सर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो आप लोगों को बताएं कि जेसीसी का आप लोग ईमेल निकालिए वेबसाइट से, ठीक है, और वहां से आप लोगों मेल कीजिए और रिस्पॉन्स की जारी करने के लिए कीजिए। नहीं तो अगर रिस्पॉन्स की अगर जारी नहीं होता तो आप लोग पता ही नहीं चलेगा आप लोग कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर दिए या कौन सा क्वेश्चन का गलत उत्तर दिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार से तो प्रश्न भी उठेगा कि धांधली हुआ, सेटिंग एटिंग हुआ है, पता चलेगा कि नहीं, कोई किसी का भी मन में चलेगा। क्योंकि जो कैंडिडेट जो क्वेश्चन सही किया है या फिर जो उत्तर दिया है उसका तो उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये किस आधार पे फिर होगा। ऐसा में तो फिर इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो सकता है, इसमें गलत काम भी हो सकता है, जो अयोग्य है उसका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। इसीलिए आप सभी को हम कल भी बोले थे और आज बोल रहे हैं, आप लोग जेसीसी वेबसाइट से ईमेल निकालिए और मेल कीजिए कि सर हम लोग का रिस्पॉन्स की चाहिए, हम लोग का ये प्रोविजनल क्वेश्चन है आंसर की, इससे हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग वहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा और जितने भी कोई है ना, 10-12 हज़ार 15-20 हज़ार जितने भी कोई है, सभी को एकदम दन दन कीजिए और सभी का आप लोग तब जाके समाधान हो जाएगा। कहा जाता है एकता में बल है, एकता में ही देखिए और झारखंड अलग हुआ। आप सभी को पता होगा झारखंड कोई नहीं बोलता था कि झारखंड अलग होगा, लेकिन झारखंड अलग हुआ ना। भारत को भी कोई नहीं बोलता था आज़ादी भारत को मिलेगा, लेकिन आज़ादी मिला ना। ये कैसे पॉसिबल, सब एकता के बल पे और ये सब जागरूकता की वजह से और आंदोलन के वजह से। बहुत लोग बोलते हैं आंदोलन से क्या होता, आंदोलन से बहुत होता है। झारखंड अलग हुआ आंदोलन के बल पर ही नहीं हुआ। आप लोग देखिए जाके भारत आज़ाद हुआ आंदोलन के बल पे है, लेकिन जो स्टूडेंट का मन में बहुत सारे कैंडिडेट कर रहता है कि हम लोग पढ़ेंगे, कोई आंदोलन वो आंदोलन नहीं करना है, जो आंदोलन करने के लिए जाता है वो लोग पढ़ने लिखने वाला कैंडिडेट नहीं होता है। तो ये आप लोग का सोच गलत है, ठीक है। और ये झारखंड के भीष्म पितामह जी का भी जो कि विनोद बिहारी महतो जी हैं, है ना, उनका कहना है, कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ आपको लड़ना भी होगा, ठीक है। पढ़ो और लड़ो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, कहीं भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख लिए भी हैं, बढ़िया पोस्ट में भी चल के हैं, आपके बगल में गलत कार्य हो रहा है लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पढ़ा लिखा इंसान का पहचान हुआ, नहीं हो पाया, है ना। ये कहीं से हुआ नहीं हुआ, इसीलिए कहीं भी गलत होता है। देखिए आप लोग साथ ये एकदम सरासर गलत हो रहा है। सरकार तो कहती है महिलाओं की सम्मान करती है, तो महिला कहाँ सम्मान है, महिलाओं के साथ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जिसका सम्मान की बात करती है गवर्नमेंट, उसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है।
अभी देखिए 1000 आप लोगों को मैया सम्मान योजना के तौर पे दिया जा रहा है। चलिए अच्छा बात है, दिया जाना चाहिए, लेकिन वो सरकार की मंशा रहती तो ये चुनाव जिस समय जीतती उसी समय ही वो दे देती तो ज़्यादा उचित रहता। चलिए अभी भी दे रही, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए 1000 दे के आप लोग साथ 15 से 20 हज़ार ऐंठ रही है। कैसे ऐंठ रही है तो देखिए, आप लोगों महिला सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट क्या थे, लेडीज ही थे, महिला ही थे, तो उन लोग साथ बताइए क्या अन्याय नहीं हुआ है, बताइए। जिसका पास पैसा नहीं है वो कहाँ से जाएगा, इतना दूर दूर सेंटर दे दिया था, एक तो दे दिया था क्या बोलते हैं जमशेदपुर, एक रांची, एक धनबाद, जिसका पास पैसा वो किसी तरह चल गया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि पैसा की वजह से नहीं जा पाए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि पैसा से वजह से नहीं जा पाए। तो ये बताइए क्या महिलाओं के साथ सम्मान हुआ, आप ही लोग विचार कीजिए क्या यह महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम बोलते हैं महिलाओं के साथ ये एकदम अन्याय हुआ। एक दो स्टूडेंट को तो बोलते हैं सर दे रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं, हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो सच्चाई वही आप लोग को बताते हैं, लेकिन एक आध लोगों को बुरा लग जाता है तो उसका तो कोई दवा ही नहीं है, है ना। जहाँ गलत होगा उसका हम खोल के विरोध करेंगे। और वो सारे कैंडिडेट भी बोलते हैं सर हम आपसे पढ़े हैं तो आप लोग आप हमारे समर्थन क्यों नहीं कर रहे, हम लोग हेल्प क्यों नहीं रहे, तो आप लोग हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो भी मेरा तरफ से बन पाता है वो करते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं हेल्प नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएँ कि नहीं, आप लोग भी उठाना चाहिए था मेरे साथ साथ। कितने ऐसे कैंडिडेट थे कि आप लोगों आउट ऑफ सिलेबस था, साइकोलॉजी की बात करते चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते, कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो कि आप लोग जैसे सी कार्यालय गए थे, कोई नहीं गए होंगे, है ना, आप लोग बोले थे ना जाने के लिए। और हम ये सरकार से ये भी मांग किए थे कि जो भी साइकोलॉजी है, चाहे होम साइंस है, चाहे सोशोलॉजी है, जो भी आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है उसका ग्रेसिंग मार्किंग दिया जाए। आप लोग को हम आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया ऐसा हल्के में मत लीजिएगा, सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है पूरे दूर दराज तक जाती है, ठीक है, इसीलिए आप लोग से भी हम बोलते हैं शेयर आप लोग करना है ताकि और सरकार के पास जैसे सी के पास पहुंच सके कि हाँ वाकई में छात्रों का समस्या है। किसी को अपना आप समस्या नहीं बताइएगा तो समाधान तो कभी हो ही नहीं पाएगा, हो पाएगा बताइए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग साथ न्याय होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स की मिले जेसीसी के द्वारा, तो आप लोग हम जो उपाय बताएं वो कीजिए, ठीक है। आप लोग जेसीसी आज बोले थे, कल बोले थे, आज देखते हैं कितने कैंडिडेट गए हैं जेसीसी कार्यालय, आप लोग बोले थे ना लेटर देने के लिए, कौन कौन गए हैं अभी कमेंट करके बताइए, एक का भी नहीं आएगा तो बताइए कैसे अधिकार मिलेगा, नहीं से मिल पाएगा, इसीलिए सभी को समझना होगा सरकार गलत कर रही है, जेसीसी गलत कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आजकल का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सभी में आप अपना बात को पहुंचाइए, तब जाके सरकार के पास किसी तरह से बात पहुंच जाएगा, तो सरकार उसमें विचार करेगी और उसमें संशोधन करने के कार्य करेगी। देखिए गलती तो हर इंसान से होता है, अगर आप वो गलती अब किसी को बता रहे हैं जो गलती किया है, अगर उसको समझ में आएगा तो उसमें सुधार करेगा, है ना। देख रहे अभी सुबह ही आज एक कैंडिडेट था, है ना, थे उनका चेक कर रहे हैं तो उनका हिंदी था पेपर टू में, और जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका दिखा रहा है खोटा, तो बताइए कहाँ से ये सही है, सही है कहीं से नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट का 12 तारीख एग्जाम हुआ है और उसका वहाँ डाउनलोड कीजिए 13 तारीख दिखाता है, ये जब सब त्रुटियों को एकदम सुधारना चाहिए, जैसे को एकदम छात्रों को एकदम परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है नहीं है जो कि उनको समझ में नहीं आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया है जैसे सी प्रोविजनल आंसर शीट क्या जारी की है, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है कोई ये मतलब ही नहीं है। जो एग्ज़ाम हुआ है सभी को वो अपलोड करके डाल दिए, ऐसे थोड़ी होता है, जो सही किया है ना, जो क्वेश्चन वो सही किया है, यानी जो उसका सीरीज में आया था ए है बी है सी है, उसको आप दीजिए और उसको बतला दीजिए कि हाँ आप इस क्वेश्चन में सही किए, जिस तरह से एसएससी और रेलवे में एग्जामिनेशन या फिर अदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है,
तब जाके स्टूडेंट को संतुष्ट होंगे, हाँ हम इस क्वेश्चन के सही किए थे और इसका आंसर ये होगा, तब जाके आपत्ति दर्ज होता है। अगर स्टूडेंट को लगेगा कि इस प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए और जेसीसी या फिर आयोग के द्वारा दूसरा आंसर दिया गया, तो उसके खिलाफ वो आपत्ति दर्ज करते हैं। लेकिन इस तरह का तो कहीं देखने को भी नहीं मिला, तो किस आधार पर कैंडिडेट आपत्ति दर्ज करेंगे? ये तो एकदम छात्रों के साथ एकदम अन्याय है, धोखा है। तो जेसीसी को इसमें विचार करना चाहिए और हम जेसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द रिस्पॉन्स की जारी कीजिए, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट कैंडिडेट्स से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट भी कीजिए, ठीक है। जेसीसी को टैग कीजिए और ट्वीट कीजिए कि रिस्पॉन्स की जारी कीजिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो जो हम डॉक्यूमेंट बोले थे जिनका अच्छा खासा स्कोर गया है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा कटअप आप लोगों को जाने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रूप से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो भी अभी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है या फिर मूल प्रमाण पत्र नहीं है या फिर एडमिट कार्ड खो गया है या फिर मार्कशीट खो गया है, इन सभी का आप लोग व्यवस्था कीजिए। जाति नहीं है, आवासीय नहीं है, EWA सर्टिफिकेट नहीं है, PW सर्टिफिकेट गुम हो गया है, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, नहीं तो फिर सरकार को बाद में कोसते रहिए। इसीलिए हम पहले से आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग जागरूक रहिए और अपना डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखिए। कभी भी बुला देगा, बोल देगा एक सप्ताह के बाद रिजल्ट दे देगा, उसके बाद बोले एक सप्ताह के बाद आ जाइए, तो आप लोग कैसे कीजिएगा, कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट हम बतलाएँ थे वो सब आप लोग व्यवस्था करके रख लीजिए, है ना। और कभी भी आप लोग का दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर बाद में फिर सरकार को कोसते रहिएगा। देखिए सरकार कहीं ना कहीं गलत रहती है, लेकिन हर चीज़ में गलत नहीं रहती, इस बात को भी मानना होगा। अगर सरकार गलत कर रही, आयोग गलत कर रही, तो उसमें आप लोग मुखर होकर आवाज़ उठाना होगा, उसका विरोध करना होगा। विरोध करना का मतलब ये नहीं होता कि उसका दुश्मन है, विरोध करने का मतलब ये होता है कि वो गलत कर रहा है, उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं कि आप इसमें गलत कर रहे हैं, इसमें सुधारिए, तब जाके ना सही कार्य होता है। नहीं तो आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जितना गलत करने वाला गुनहगार है, उतना गलत को देख के इग्नोर करने वाला भी गुनहगार है, इस बात को आप लोग समझना होगा, ठीक है। और जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 में जो अपने हिसाब से लगाए होंगे, तो इससे तो जो प्रोविजनल आंसर शीट है उससे तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। जो भी आप लोग वहाँ पे लगाए होंगे पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोगों को टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके सभी को ही बताइएगा, ठीक है। तो सभी को आप लोग कमेंट करके बतलाइए, उसके बाद उसके आधार पर आप लोग को हम कटअप एक पूरा फाइनल आप लोग बता देंगे कितना एक्सपेक्टेड और जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बतलाइए। आप सभी रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग रिस्पॉन्स की जारी करने के लिए जेसीसी ऑफिस जाइए, ठीक है। आज नहीं गए हैं तो आप लोग कल चल जाइए, उसके बाद आप लोग बोलिए जेसीसी ऑफिस में कि रिस्पॉन्स की जारी करें कि आप लोग कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर समझ रहे हैं क्या होने वाला। जिस तरह PGT और लैब असिस्टेंस में हुआ था, उसी प्रकार से आप लोग साथ भी होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग का साथ भी जैसे लैब असिस्टेंट और PGT की तरह ना हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग JCC को मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, कॉल करके बोलिए। जितने भी 5000 भी कैंडिडेट या फिर 5000 कैंडिडेट या 5000 क्या 1000 कैंडिडेट भी कॉल करेंगे ना, तो संज्ञान में ले लेगी JCC, ठीक है, क्योंकि आप लोग के साथ एकदम न्याय करेगी। आप लोग ट्वीट कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है, मेल कीजिए, और हो सके तो रांची के आसपास जो कैंडिडेट होंगे आप लोग जाइए और पूछिए, सर हम लोग का कब रिस्पॉन्स की जा रही होगा, हम लोग को रिस्पॉन्स की चाहिए, नहीं तो हम लोग को सर पता ही नहीं चल सकेगा हम लोग कितना सही किए कितना नहीं। क्योंकि ये नियम भी होता है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आंसर की जारी किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए झारखंड की स्थिति देखिए, झारखंड का देखिए कोई भी एग्जामिनेशन बिना विवाद को हुआ ही नहीं। आज झारखंड अलग हुए, 24 साल होने को चला, लेकिन आज झारखंड की दुर्दशा वही है, आज भी कोई एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है।
माँ बाप अपने बच्चे को शहर भेजते हैं कि ताकि पढ़ लिख के बेटा बेटी अच्छा नौकरी कर सके, ताकि बुढ़ापे में उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन आज परिदृश्य बदला हुआ है, आज वैसा नहीं है। आज हर जगह भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, बच्चे अपने माँ बाप से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं आप लोग साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, फिर से बोल रहे हैं कॉल कीजिए, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए और जाके मिलिए, आप लोग का समाधान हो जाएगा, रिस्पॉन्स की जारी होगा और आप लोग पता भी चल जाएगा कि आप लोग कौन सा टिक लगाए थे, नहीं लगाए थे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग चल जाइए। और हम लोग अब रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट आप लोग का देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोग 100% आ जाएगा। ठीक है, और हम जो बोले हैं वो हुआ है, क्योंकि जो जानकारी मिलता है तब आप लोग बोलते हैं। ठीक है, जानकारी जब हमको प्राप्त होता है, ठीक है, और उसके बाद ही आप लोग को हम बताते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, नहीं आएगा, एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताते हैं, आलतू फालतू कुछ भी नहीं। आप लोग बोले थे जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन से पहले आप लोग का लेडी सुपरवाइज एग्जाम होगा, 100% हुआ। आप लोग बोले थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आप लोग का रिस्पॉन्स की जारी होगा, रिस्पॉन्स की जारी नहीं हो, लेकिन उसके बदले में आप लोग का आंसर की जारी हुआ, लेकिन आप लोग जारी तो हुआ। और ये और अब बोल रहे हैं आप लोग का 100% अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोग का झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट जारी होगा, तो 100% होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए जितने भी आप लोग का डॉक्यूमेंट होगा उसको आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, अभी नहीं होगा तो आप लोग उसको व्यवस्था कीजिए, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद फिर उधर तो ज़्यादा समय भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ में आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट हम बताए थे आप लोग को, उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए उस सब का आप लोग व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज किस सेशन को यहीं पे इंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सकेगा और सभी लोग को जानकारी प्राप्त हो सकेगा कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी आप लोग का इसी प्रकार का अपडेट आएगा तो सबसे पहले ज्वार एग्जाम में बतलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोग कितना एक्यूरेट किए हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।